हमारा अगला टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर। इट इज ए मशीन दैट स्पेशलाइज इन काउंटिंग। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है जो कि स्पेशलाइज है काउंटिंग के अंदर। इट ऑपरेट बाय काउंटिंग वैल्यू दैट आर डिस्क्रीट और सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट अनलाइक द कंटिन्यूअस क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय द एनालॉग कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट करता है काउंटिंग वैल्यू से वैल्यू को काउंट करने जो कि डिस्क्रीट है और सेपरेट है डिस्टिंक्ट है, ना कि एनालॉग कंप्यूटर की तरह जो कि कंटिन्यूअस क्वांटिटीज को मेजर कर सकता है। ये उसकी तरह नहीं होते, ये ऑपरेट करते हैं काउंटिंग वैल्यू से जो कि डिस्क्रीट और सेपरेट है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दैट हैज अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ लेवल। डिजिटल सिग्नल जो है वो एक तरह से डिस्क्रीट टाइम का सिग्नल है जिसके अंदर डिस्क्रीट नंबर ऑफ लेवल होते हैं, ठीक है। इट कैन ओनली अज्यूम वन ऑफ द टू वैल्यू 0 और 1। मतलब कि वो सिर्फ दो चीजें अज्यूम कर सकता है, या फिर टू वैल्यू अज्यूम कर सकता है, या फिर 0 या फिर 1। यानी कि 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर का और कुछ नहीं आता, वो बस 0 और 1 के भाषा में ही समझता है, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। व्हाइल एनालॉग टेक्नोलॉजी यूजेस कंटिन्यूअस सिग्नल, जहाँ पे एनालॉग टेक्नोलॉजी जो है यूज करती है कंटिन्यूअस सिग्नल, डिजिटल टेक्नोलॉजी इनकोडेस द इंफॉर्मेशन इनटू डिस्क्रीट सिग्नल स्टेट्स। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो होती है वो इनकोड करती है इंफॉर्मेशन को डिस्क्रीट सिग्नल स्टेट्स में, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर आर यूज फॉर बोथ बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एंड एक्यूरेसी। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं दोनों जगह, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग में और एक्यूरेसी के लिए भी। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई अ डिजिटल कंप्यूटर इज एडिशन। जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा वो है एडिशन। इट कैन स्टोर सम ऑफ एडिशन प्रॉब्लम, ये स्टोर कर सकते हैं कुछ एडिशन के सम प्रॉब्लम, जैसे कि दे accumulate and can complete a signal calculation in a fraction of nanosecond। जैसे कि ये लोग accumulate कर सकते हैं और complete कर सकते हैं एक single calculation fraction of second के अंदर या nanosecond के अंदर, यानी कि बहुत ही तेज होते हैं ये digital computer, ठीक है। द डिजिटल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज लॉन्ग एज नीडेड। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कैपेबल है डाटा को स्टोर करने के लिए जब तक उसकी आवश्यकता हो, परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन, एडिटिंग इनपुट डाटा एंड प्रिंटिंग आउट द रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग एट हाई स्पीड। और उसके अलावा वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, एडिट करना इनपुट डाटा को या फिर प्रिंटिंग करना रिजल्ट को, वो भी अपने हाई स्पीड के प्रोसेसिंग से, यानी कि बहुत तेजी से ये सारे काम डिजिटल कंप्यूटर्स कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम इंक्लूड फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग। एडवांटेजेस जो डिजिटल सिस्टम का है वो इंक्लूड करता है फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग, इजी टू डिजाइन, उसके अलावा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है, सिंपल ऑपरेशन है, इजी डाटा स्टोरेज है, उसके अलावा लेस प्रॉन टू नॉइज ETC, उसके अलावा इसमें कम आवाज आएगी, एकदम साइलेंटली काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं, एडवांटेज हैं। तो ये एक एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर का, यहाँ देख सकते हैं ये एक डिजिटल कंप्यूटर है, सिंपल सा मॉनिटर, यहाँ के अंदर सिस्टम है, इसके अंदर आप जोड़ गुड़ा भाग, उसके अलावा कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज करना हो, गेम खेलना हो, हर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन दिया हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर आज के टाइम के जो लैपटॉप आते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं, ये एक एनालॉग कंप्यूटर है पुराने जमाने का, कुछ इस तरह का दिखता था, इसके अलावा ये डिजिटल कंप्यूटर कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर दिखाया गया है। एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरह का आता था एरो में, जबकि डिजिटल सिग्नल सिर्फ 0 1 समझता है, बाइनरी नंबर समझता है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल का एक चार्ट दिया हुआ है, एक देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का रहता है 0 या 1, 0 1, 0 1, सिर्फ यही दो चीज इस कंप्यूटर को समझ में आता है। अगला हमारा टॉपिक है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑल्दो बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली यूज एंड वाइडली एक्सेप्टेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर हैव टू अटेम्प्ट टू डिजाइन अ कंप्यूटर दैट कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ टाइप। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल्दो दोनों जो एनालॉग कंप्यूटर हैं और डिजिटल कंप्यूटर हैं दोनों एक्सट्रीमली यूजफुल हैं, यूज किए जाते हैं वाइडली एक्सेप्टेड में, ज्यादातर वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं दोनों कंप्यूटर अलग अलग इंडस्ट्री में, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने यह सोचा कि उन्होंने सोचा कि एक अटेम्प्ट किया जाए कि ऐसा डिजाइन बनाने का कि जो कॉम्बिनेशन हो दोनों डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का, तो दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जिसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे, ठीक है। दिस स्पेशल पर्पस मशीन कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये स्पेशल पर्पस मशीन को कहते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर, विच कंबाइन द मेजरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनालॉग
कंप्यूटर एंड द लॉजिकल एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, जिसके अंदर कंबाइंड होता है मेजरिंग कैपेबिलिटी जो कि एनालॉग कंप्यूटर में पाया जाता है, और लॉजिकल और कंट्रोल कैपेबिलिटी जो कि डिजिटल कंप्यूटर में पाया जाता है। तो ये दोनों फीचर हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। इट ऑफर एन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ वर्किंग आउट स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन साइंस एंड वेरियस एरिया ऑफ इंजीनियरिंग। और हाइब्रिड कंप्यूटर ऑफर करता है एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मेथड काम करने का, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि साइंस और अलग अलग एरिया ऑफ इंजीनियरिंग में होती है। सम हाइब्रिड मशीन कंटेन स्पेशल इक्विपमेंट टू कन्वर्ट एनालॉग वोल्टेज इनटू डिजिटल वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। और कुछ हाइब्रिड मशीन के अंदर कुछ स्पेशल इक्विपमेंट लगे होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं एनालॉग वोल्टेज से डिजिटल वोल्टेज में और डिजिटल वोल्टेज से एनालॉग वोल्टेज में। तो ये एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर है जो कि HP एनवे हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये HP आपने सुना होगा, और एक डेल का हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है आप पहले इसको इस तरह से चलाएंगे तो आप मतलब इसमें मॉनिटर निकाल के सिर्फ इसको टच स्क्रीन की तरह चला सकते हैं, और इसमें मॉनिटर लगा देंगे तो कीबोर्ड के साथ, तो ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह लैपटॉप की तरह हो जाएगा, और इसको निकाल देंगे तो इसको सिर्फ डेले भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आइए देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। हमारी जो दुनिया है वो पूरी भरी हुई है इंटीग्रेटेड सर्किट से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विथ सेवरल ट्रांजिस्टर्स बिल्ट इनटू वन फिजिकल कंपोनेंट। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है जिसके अंदर सेवरल मतलब कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर बिल्ट इन होते हैं एक फिजिकल कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच इन्वॉल्व थाउजेंड और मिलियन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर डायोड्स एंड रजिस्टर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है हजारों और मिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड्स हो गया और रजिस्टर्स हो गया। दे आर यूजुअली कॉल्ड ICS। इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं ICS, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। वी कैन फाइंड सेवरल ऑफ देम इन कंप्यूटर। इसको पाया जा सकता है ज्यादातर कंप्यूटर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दिया हुआ है मोस्ट पीपल हैव प्रोबेबली हियर अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। ज्यादातर लोग जो है सुने ही होंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। द माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दैट प्रोसेसेस ऑल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, जो कि प्रोसेस करता है सभी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर। ये एक चिप है, ये इसी तरह दिखता है, देख लीजिए। इसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ, इतने छोटे के अंदर मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर डायोड्स और रजिस्टर्स लगे होते हैं इसी छोटे से चीज के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही छोटा पार्ट होता है कंप्यूटर का। इट कीप ट्रैक ऑफ व्हाट की आर प्रेस्ड एंड व्हाट इफ माउस हैज बीन मूव्ड। ये ट्रैक करता है कि क्या की हमने दबाई है, जैसे ये दबाई है तो ए ही आना चाहिए, बी सी ना आ जाए आपके स्क्रीन पे। उसका कीप ट्रैक रखता है, पूरा देखता है और कहाँ कहाँ माउस जा रहा है, मूव हो रहा है, उसको भी ये ट्रैक करता है, ठीक है। इट काउंट नंबर एंड रन प्रोग्राम। ये नंबर को काउंट करता है, प्रोग्राम को रन करता है, कोई भी गेम खेलेंगे उसको रन करेगा एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यही रन करता है, ठीक है। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, जो पहला इंटीग्रेटेड सर्किट था जिसको ICS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वर बेस्ड ऑन स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये बेस्ड था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SSI सर्किट्स, विच हैड अराउंड 10 डिवाइसेस पर सेट, जिसके अंदर लगभग 10 डिवाइसेस थे हर एक सर्किट में, या फिर चिप बोल सकते हैं। तो चिप यही चीज होती है, सर्किट बोलिए या चिप बोलिए एक ही बात है, ठीक है। एंड इवॉल्वेड टू यूज ऑफ मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स विच हैड अप टू 100 डिवाइसेस पर चिप। और ये इवॉल्व हुआ बाद में मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MSI, जिसके अंदर लगभग 100 डिवाइसेस पर चिप थी। जो पहले में थे उसमें 10 डिवाइसेस था, उसके बाद ये अपग्रेड हो गया, इम्प्रूव होता गया, उसके बाद इसमें 100 डिवाइसेस आ गए, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आर ऑल्सो फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज कार। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो भी वो फाउंड किया जाता है
ऑलमोस्ट सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कि हो गया कार, हो गया टेलीविजन सेट, हो गया या फिर सीडी प्लेयर होता है उसमें भी पाया जाता है, सेलुलर फोन में भी पाया जाता है, उसके अलावा और भी चीजें होती हैं जिनमें इंटीग्रेटेड सर्किट पाया जाता है। द मेन बेनिफिट ऑफ ICS आर लोअर कॉस्ट। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ICS का वो है कि बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है और हाई रिलायबिलिटी होती है इसकी, एंड स्मॉलर स्पेस रिक्वायरमेंट, और बहुत ही कम छोटा स्पेस रिक्वायर्ड होता है इसको लगाने के लिए। बट व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, एंड व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट, और इसकी हिस्ट्री क्या होती है, आइए जानते हैं आगे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है। द इंटीग्रेटेड सर्किट इज नथिंग मोर देन अ वेरी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो कुछ नहीं बल्कि एक एडवांस वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट सच एज ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड डायोड्स, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट वे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना हुआ है अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, जैसे कि हो गया ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर्स और डायोड्स से, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज। इट इज एन अनब्रोकन लूप, ये एक अनब्रोकन लूप है ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो कंटिन्यूसली, जो कि अलाउ करता है कंडक्टिव मटेरियल को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना कंटिन्यूस, मतलब कि यहाँ पे बिना रुकावट के ही सारा फ्लो हो रहा है, एक लूप बना हुआ है। If a circuit is broken, अगर एक सर्किट ब्रोक हो गया यानी कुछ खराबी आ गई, its conductive element will no longer form a complete path and continuous electron flow cannot occur. और अगर कोई भी सर्किट ब्रोक हो गया तो उसकी वजह से एक कंडक्टिव एलिमेंट जो है वो अपना कंप्लीट पाथ पूरा नहीं कर पाएगा और उसके अंदर कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता फिर। द ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक ए स्विच, एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक्ट करता है एक स्विच की तरह। इट कैन टर्न इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ, ये इलेक्ट्रिसिटी को ऑन और ऑफ कर सकता है, और इट कैन एम्पलीफाई करंट, या फिर ये करंट को एम्पलीफाई कर सकता है। इट इज यूज फॉर एग्जाम्पल इन कंप्यूटर टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ये यूज किया जाता है एग्जाम्पल कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि यूज होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये पहले आता था, अब इसका एडवांस वर्जन आने लगा है, लेकिन पहले के जमाने के कंप्यूटर में यही होता था। द रजिस्टर लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव अस द पॉसिबिलिटी टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज अलाउड टू पास, और जो रजिस्टर होता है वो लिमिट करता है फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हमको देता है पॉसिबिलिटी कि हम लोग कंट्रोल कर सके जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा कंप्यूटर के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता ना कि जैसे कि मान लीजिए किसी कंप्यूटर को मान लीजिए 500 वाट की आवश्यकता है, तो वो कंट्रोल ही ना हो, उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए 1000 वाट की, तो वो क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो रजिस्टर वो चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि रजिस्टर आर यूज एमंग अदर थिंग्स टू कंट्रोल द वॉल्यूम इन टेलीविजन सेट और रेडियस। यहाँ पे उदाहरण के लिए वही चीज दिया हुआ कि रजिस्टर यूज होते हैं दूसरे चीजों में भी, जैसे कि ये यूज होता है रजिस्टर टेलीविजन में, जो कि मदद करता है टीवी के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए कि कितना धीमा हो कितना कम होगा, मतलब कितना वॉल्यूम में आपको सुनना है, 1%, 10%, 20%, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि अगर रजिस्टर नहीं लगा होगा उसके अंदर तो सीधा वो पूरा फुल पे ही चल जाएगा, तो बहुत तेज हो जाएगा, तो फिर कान फट जाएगा आपका, टीवी जैसे ही चलाएंगे तो डर जाएंगे अचानक से, है ना, क्योंकि इतना तेजी से आवाज आएगा, तो इसलिए रजिस्टर बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। द कैपेसिटर कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलीजेस इट ऑल इन वन क्विक ब्रश, जो कैपेसिटर होता है वो कलेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और उसको रिलीज करता है एक ही साथ क्विक ब्रश में, ठीक है। द डायोड स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी अंडर सम कंडीशन एंड अलाउ इट टू पास ओनली व्हेन दोज कंडीशन चेंज, और जो डायोड होता है वो स्टॉप करता है इलेक्ट्रिसिटी को कुछ कंडीशन में और तभी अलाउ करता है जब उस कंडीशन में चेंज आता है, ठीक है, जब उसकी आवश्यकता होती है। दिस इज यूज इन फॉर एग्जाम्पल, ये यूज होता है उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है कि फोटो सेल्स वियर अ लाइट बीम दैट इज ब्रोकन ट्रिगर द डायोड टू स्टॉप इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू इट। एक फोटो सेल होता है जहाँ पे एक लाइट बीम जो कि ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है, जो कि ट्रिगर करता है डायोड को कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर दो फ्लोइंग से, नहीं तो अगर जब टूट गया है वो चीज़ तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो कुछ भी ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में। द फ्लैश लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक फ्लैश लाइट जो है वो एक उदाहरण है इलेक्ट्रिक सर्किट की। इट कंटेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि कंटेन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्राई सेल जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए सोर्स, एक सोर्स की तरह। अ लोड द बल्ब में उसके अंदर होता है, जैसे बल्ब होता है अपने फ्लैश लाइट में, विच चेंजेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड अ स्विच टू कंट्रोल द एनर्जी डिलीवरी टू द लोड, जो कि चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में और ए स्विच टू कंट्रोल, और एक स्विच देता है कंट्रोल करने के लिए एनर्जी को जो कि डिलीवर होगी लोड में, ठीक है, लोड मतलब बल्ब में। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे बल्ब के अंदर होता है, ये बल्ब से निकलता है लाइट और इसके अंदर सारा कंट्रोल सिस्टम होता है, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो कि फ्लैश लाइट की तरह ही काम करता है, ठीक है। द ट्रांजिस्टर वर्सेस द वैक्यूम ट्यूब। अब ट्रांजिस्टर वर्सेस वैक्यूम ट्यूब के बारे में दिया हुआ है, किसका क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज था, तो आइए देखते हैं। द ट्रांजिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो जो ट्रांजिस्टर है वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और डेवलपमेंट के लिए मॉडर्न कंप्यूटर्स को। बिफोर द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से पहले इंजीनियर्स हैड टू यूज वैक्यूम ट्यूब, इंजीनियर्स को यूज करना पड़ता था वैक्यूम ट्यूब्स को, जस्ट एज द ट्रांजिस्टर, एकदम ट्रांजिस्टर की ही तरह। द वैक्यूम ट्यूब कैन स्विच इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ और एम्पलीफाई अ करेंट। वैक्यूम ट्यूब भी ट्रांजिस्टर की ही तरह स्विच कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, ऑन या ऑफ कर सकता है या फिर एम्पलीफाई कर सकता है करंट को। सो व्हाई वाज द वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस बाय द ट्रांजिस्टर। तो आप पूछेंगे कि क्यों वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से। देयर आर सेवरल रीजन, इसके कई सारे रीजन हैं। द वैक्यूम ट्यूब लुक एंड बिहेव वेरी मच लाइक अ लाइट बल्ब। वैक्यूम ट्यूब जो होता था वो बहुत ही ज्यादातर लुक करता था, मैं दिखता था और बिहेव करता था लगभग एक लाइट बल्ब की तरह। इट जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, और वो जनरेट करता था बहुत ही ज्यादा हीट एंड हैज अ टेंडेंसिटी टू बर्न आउट, और उसके अंदर एक टेंडेंसिटी थी कि वो बर्न आउट कर सकता है, मतलब जल सकता था, ओवर हीट हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं। यह बल्ब फ्यूज खराब हो जाता है उसी तरह से उसमें भी एक पॉसिबिलिटी रहती थी। और बल्ब जो है आप जलाएंगे कई घंटों तक तो वो हीट हो जाता है ना, आप कभी बल्ब छू के देखिएगा कई घंटों से चल रहा है बल्ब तो हीट हो जाता है, तो इसी तरह से इसमें भी ये सारे रिस्क थे। ऑल्सो कंपेयर टू द ट्रांजिस्टर इट इज स्लो बिग एंड बल्की, और कंपेयर करेंगे आप ट्रांजिस्टर से तो जो वैक्यूम ट्यूब थे वो बहुत ही स्लो थे और बड़े थे और बल्की थे, ठीक है। व्हेन इंजीनियर्स ट्राइड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब दे क्विकली बिकम अवेयर ऑफ इट्स लिमिटेशन। जब इंजीनियरों ने ट्राई किया बिल्ड करना एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ हो, वो बहुत ही जल्दी समझ गए कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है और इससे आगे काम नहीं चल सकता। कि अगर इंजीनियर्स को और एडवांस कंप्यूटर बनाने हैं और तेज बनाने हैं तो उसकी लिमिटेशन थी कि इससे तो नहीं बन सकता, मतलब वैक्यूम ट्यूब से तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता, उनको पता चल गया था। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इनायक फॉर एग्जाम्पल वॉज अ ह्यूज मॉन्स्टर दैट वेटेड ओवर 30 टन एंड कंज्यूम 200 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। और जो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसका नाम इनायक था, उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है कि वह बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर की तरह दिखता था और उसका जो वेट था लगभग 30 टन था, 30 टन मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा होगा। एंड कंज्यूम, और वो कंज्यूम करता था 200 किलो वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर, मतलब 200 किलो वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर वो कंज्यूम करता था, सोचिए कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता था। इट हैड अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब, और उसके अंदर लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे दैट कंसिस्टेंटली बर्न आउट, जो कि कंसिस्टेंटली बर्न आउट होता था, मेकिंग इट वेरी अनरिलायबल, जो कि उसको बहुत ही अनरिलायबल बनाता था, मतलब कि कभी काम करता था कभी काम नहीं करता था। When the transistor was invented in 1947, it was considered a revolution. जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था 1947 में,
वो एक तरह से कंसीडर किया गया था कि एक रिवोल्यूशन आ गया है, स्मॉल फास्ट रिलायबल एंड इफेक्टिव, इट क्विकली रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो थे बहुत ही छोटे थे, तेज थे और रिलायबल थे और इफेक्टिव थे, और वो बहुत ही जल्दी रिप्लेस कर दिए वैक्यूम ट्यूब्स को। और देखिए यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह दिखता था। और सोचिए 12,000 वैक्यूम ट्यूब पहले कंप्यूटर में लगा था, जो फर्स्ट कंप्यूटर था इनायक। यह है वैक्यूम ट्यूब, कुछ इस तरह दिखते थे, आप फोटो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह के रहते थे, अलग अलग साइज के वैक्यूम ट्यूब हैं। और ये हैं ट्रांजिस्टर, ये कुछ इस तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, काम दोनों का एक ही है, लेकिन ये बहुत ही पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है और ये अभी मॉडर्न जमाने की है। सोचिए कितने छोटे थे इससे कंपेयर में, और कितने ज़्यादा पावरफुल फास्ट हैं ये।